अयोध्या में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में शान से लहराएगी तिरंग। वहीं मऊ शिवाला स्थित विजडम इंटर कॉलेज व अमोना स्थित कमलेश इंटर कॉलेज, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के बच्चों ने हाथों में झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालकर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। वहीं शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक स्कूल में किया गया ध्वजारोहण। वर्षगांठ मनाया गया है और बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली है प्रभात नगर से और सरियावां चौराह होते हुए बांबा होते हुए प्रभात फेरी निकाली है। ये सोच रहे हैं या हमारी तमन्ना है कि हमारे विद्यालय के बच्चे देश के प्रति समर्पित हों और जिससे हमारा विद्यालय का नाम या मेरा नाम गौरव। इस देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पे हम अपने वीर सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, आज़ादी दिलाया, और उन वीर सपूतों को बार बार नमन और प्रणाम करेंगे जो हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनके परिवार को भी नमन करूंगा जो इस तरह वीर सपूतों को जन्म दे करके और अपने देश की अपने बॉर्डर पर लगे हुए हैं, इसकी देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आज हम पूरे देश को जो है इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामना देंगे और ये निवेदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह हमारे देश की स्वतंत्रता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, एकता बना रहे और हमारे देश का नाम विश्व में जिस तरह हो रहा है पुनः एक बार विश्व गुरु हमारा देश बने। इस विद्यालय का नाम विजडम वर्ल्ड स्कूल है, विजडम वर्ल्ड स्कूल पलिया साबरी। और जो है आज हम जो है 78वां जो है वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का, और हम विजडम वर्ल्ड स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल और जो है प्रबंधक की तरफ से जो है हम पूरे देशवासियों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम अपने बच्चों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे वीर जवान शहीद हुए इस देश के लिए और 200 वर्ष जो है अंग्रेजों से लड़ के और देश को आज़ाद कराया है, तो उसी का मैसेज दे रहे हैं कि हमारे वीरों ने किस तरह जो है अपनी जान की कुर्बानी दे के और इस देश को आज़ाद कराया। और हम अपने बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह हम लोगों को जो है वीर बनना है और अपने देश को बहुत आगे ले जाना है। मेरा नाम फिरोज अहमद। ये माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज अमोना रानी बाजार के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों को शिक्षा के बारे में संदेश, मिष्ठान वितरण और हमारे विद्यालय में अतिथिगण क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभाए सबका स्वागत अभिनंदन किया गया और पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत किया गया। और जो हमारे साथ इस समय हमारी इस कार्यक्रम को अग्रसित कर रहे हैं उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और विद्यालय निरंतर आगे बढ़ता रहे इसके लिए हम ईश्वर को साक्षी मानते प्रार्थना। और हर बच्चों के लिए हमने यही बताया कि अपने प्रगति मार्ग को आगे बढ़ाओ और अपने गुरु से या किसी से ईमानदारी का बर्ताव करो, ना गुरु से ईमानदारी का परिचय दो, अपने आप से ईमानदारी का परिचय दो कि आगे चल के तुम भविष्य की नींव हो और शिक्षा अध्ययन निरंतर करते रहो, हमारे विद्यालय का नाम होता रहे। हमारे विद्यालय के बच्चे CGL SSC में काफ़ी दूर तक प्रगति कर चुके हैं। अब हम लोगों का एक विचार सपना है UPSC में भी हमारे यहाँ के बच्चे आएँ, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करिए और हमारे प्रधानाचार्य छोटे भाई, आप नाम अपना विद्यालय। अब हमारा नाम सत्यदेव पांडे है, इसी विद्यालय से हमने अपने जीवन की विद्या की शुरुआत की थी। आज गुरुजी ने हमको एक छोटा सा सिपाही पद दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या बोलना। ये हमारे छोटे भाई धनदेव कुमार पाठक प्रधानाचार्य जी हैं जो निरंतर जो है कार्यरत रहते हैं बस। और अब हम चाहेंगे प्रधानाचार्य जी हमारे कुछ बोलें।